परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब पूरा होना, कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में जब पूरा हो चुका होता है या पूरा हो गया है तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, बोलेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं जिसमें ना क्वेश्चन हो और ना नेगेटिव, तो उसे बढ़ाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं, सब्जेक्ट देन हैज और बेकरी और तब ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। तो हैज लेते हैं हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, और हैव लेते हैं हम सब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, ये आप देखेंगे यहाँ बना हुआ चार्ट। अब एग्जाम्पल, विराट हैज प्लेड क्रिकेट, यानी विराट क्रिकेट खेल चुके हैं। जब इसे हम नेगेटिव लिख लेंगे नो के अर्थ में, तो नेगेटिव सेंटेंस में हैज के बाद नॉट को यूज करना है या कॉम्बाइन करके हैजंट हैविंट लिखेंगे या कहेंगे धोनी क्रिकेट नहीं खेले हैं। धोनी हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, यहाँ धोनी हैज यूज हुआ क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, विराट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले ऑक्सिलियरी लेते हैं हैज है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देंगे, फिर बी थ्री एट दिन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल क्रिकेट खेल चुका है, हैज राहुल प्लेड क्रिकेट। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाने हो तो डब्ल्यू एच हैज के पहले हम लोग को यूज करने हैं। Why has he not played cricket? वो क्रिकेट क्यों नहीं खेला है? अगर he की जगह हम लोग दे करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में have पहले आएगा और तब why have they not played cricket? यानी वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेले हैं? तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेले हो? Why have you not played cricket? इस तरह से हम लोग बहुत ही easily स्ट्रक्चर के आधार पे और सेंटेंस के में की काम हो चुका है इसे इस तरह से हम लोग बोलेंगे लिखेंगे इसका प्रयोग करेंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल मुझे बताएंगे, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है?